हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। फिट मील इन 15 के आज के एपिसोड में मैं आपके लिए एक मल्टी ग्रेन ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इट इज़ हाई इन प्रोटीन, इट इज़ डिलिशियस एंड इट्स वेरी इजी टू मेक। सो मैं हमेशा कहती हूँ कि मल्टी ग्रेन का मतलब भी होता है एक बैलेंस्ड डाइट। सो दैट डजेंट मीन कि आपने 4-5 कोई भी मर्जी के ग्रेन उठाए एंड यू आर सॉर्टेड। सो मल्टी ग्रेन हैज़ टू बी इन अ सर्टेन प्रपोर्शन इन अ बैलेंस्ड वे। आप अगर बैलेंस्ड वे में मल्टी ग्रेन फूड को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो रेशियो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इंग्रेडिएंट्स की, जहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कौन सी रेशियो रहनी चाहिए जब आप मल्टी ग्रेन प्रिपरेशन कर रहे हैं, मल्टी ग्रेन की कोई चीज़ बना रहे हैं अपने घर में। तो हमारे हेल्दी मल्टीग्रेन ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए मैंने 1/4 कप लिया है चना दाल, 1/4 कप लिया है स्प्लिट मूंग दाल, 1/4 कप लिया है कीनवा और आधे से थोड़ा कम लिया है राइस। इस रेशो को मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो ये बहुत ही बैलेंस रेशो है और आपको मल्टीग्रेन इसी रेशो में प्रिपेयर करना चाहिए। तो एक हमने जो चौथाई हिस्सा लिया है वो है दाल का। तो यहाँ पर मैंने मूँग दाल ली है, स्प्लिट मूंग दाल ली है, आप होल मूंग दाल भी ले सकते हैं, कोई भी लिग्यूम हम ले सकते हैं। तो एक चौथाई मैंने लिया है चना दाल। आप अगर नॉर्मल आटा भी बना रहे हैं मल्टीग्रेन का तो उसमें यही रेशो होनी चाहिए कि एक चौथाई आप कोई लिग्यूम का आटा जैसे बेसन ले सकते हैं, एक चौथाई कप आपके पास दाल का आटा होना चाहिए। नाउ इसे बैलेंस करने के लिए दोनों चीज़ें जो हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर थोड़ा हैवी हो सकते हैं, तो इसे बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है इसके साथ कोई लाइट ग्रेन ऐड करना। एंड राइस जो है वो एक लाइट ग्रेन का यहाँ पर काम कर रहा है तो मैंने राइस को यहाँ पर ऐड किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें और ज़्यादा प्रोटीन ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्यूडो ग्रेन को ऐड किया है। कीनवा जो होता है असल में एक सीड होता है जिसे हम ग्रेन की तरह खाते हैं और सीड होने की वजह से इसके अमाइनो एसिड्स यानी प्रोटीन का प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास कीनवा नहीं है और आप मल्टीग्रेन आटा बना रहे हैं तो इसके रिप्लेसमेंट में आप एमरेंथ यानी चौलाई का आटा ले सकते हैं, जो अगेन एक सीड है जिसे हम ग्रेन की तरह खाते हैं। कुट्टू का आटा आप ले सकते हैं। सो इन सभी का रेशो जो है प्रोटीन का वो काफ़ी बेटर होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अलग अलग वेराइटी के न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं, जैसे चना दाल बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन में रिच है, मूंग दाल के अंदर वाइटामिन ए बी सी ई के अलावा आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम होता है। कीनवा प्रोटीन में रिच होने के साथ साथ फाइबर रिच भी है, इसमें आयरन, फोलेट और पोटेशियम आपको मिलेगा। राइस जो होता है बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन के अलावा मैग्नीशियम, सेलेनियम, आयरन, जिंक में रिच होता है। बाकी हम इसमें वाटर लेंगे, थोड़ा सा अदरक और लहसुन डालना ज़रूरी इसीलिए क्योंकि हाई प्रोटीन जो डाइट होती है वो थोड़ा स्टमक पे हैवी होती है, तो उसके लिए एक डाइजेस्टिव एड की तरह काम करेगा। और स्पेशली जिंजर जो होता है, जब भी आप चना बनाएं या कोई हैवी पल्स बनाएं तो उसमें अदरक थोड़ा सा ज़रूर डालें, वो आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा। मैंने यहाँ गार्लिक भी लिया है, हरी मिर्ची और नमक स्वाद के अनुसार। इसके अलावा हम पीनट और कोकोनट की चटनी बनाएंगे, जिसके लिए 6 टेबलस्पून मैंने रोस्टेड पीनट्स लिया है, 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट, आप ड्राई कोकोनट ले सकते हैं नॉर्मल, चिली पाउडर, 1 हरी मिर्ची, नमक स्वाद के अनुसार, क्यूमिन पाउडर और कोई और स्पाइस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पीनट भी प्रोटीन में रिच होता है और ये भी हमारे जो ब्रेकफास्ट है उसे हाई इन प्रोटीन बनाएगा। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रात पहले या फिर एटलीस्ट 3-4 घंटे पहले हमें अपने ग्रेन्स को वॉश करके सोक करके रखना है। तो मैंने सारे ग्रेन ऐड कर लिए हैं बोल के अंदर, चना दाल, मूंग दाल, कीनवा एंड राइस। इसे सोक करेंगे मिनिमम 3-4 घंटे टू मैक्सिमम ओवरनाइट। अगर दोपहर में बना रहे हैं तो आप मॉर्निंग में सोक कर सकते हैं, अदरवाइज ओवरनाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें इसका पानी ड्रेन कर देना है और इसे रिंस करके ही यूज़ करना है। एक ग्राइंडर मैंने लिया है जिसके अंदर मैंने सारे ग्रेन्स के साथ जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली ऐड कर दिया है।
इसे हम अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे और एक फाइन सेमी थिक पेस्ट हम बनाएंगे। तो ग्राइंडिंग के टाइम अगर आपको लगे पानी ऐड करना है तो आप एक्स्ट्रा पानी ऐड कर सकते हैं। नाउ आई विल ट्रांसफ़र द मिक्सचर इनटू अ बोल और अगेन आई एम एडिंग सम वाटर। इसकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो सेमी थिक होनी चाहिए। तो जैसे हम डोसा या चीले का बैटर, आप इसे चीला भी बना सकते हैं, आप इसे डोसा भी बना सकते हैं। आई एम मेकिंग समथिंग इन बिटवीन। आप चाहें तो यहाँ पर इसके अंदर फाइनली चॉप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं टू ऐड मोर फाइबर। सो यू कैन ऐड सम अनियन, आप इसके अंदर कैप्सिकम्स या फिर कैरेट को ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। मैं बहुत ही बेसिक ये रेसिपी बना रही हूँ। और ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। इसे मैं थोड़ी देर साइड में रख देती हूँ क्योंकि कई बार बैटर थोड़ा थिक हो जाता है वंस यू कीप इट असाइड फॉर 10 to 15 मिनट्स। इन बिटवीन हम चटनी अपनी बना लेते हैं। तो चटनी के लिए मैंने ग्राइंडर में पीनट, कोकोनट और बाकी जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कर दिए हैं। एंड आई जस्ट हैव टू ग्राइंड इट और मेरी जो हेल्दी पीनट कोकोनट चटनी है वो बनकर तैयार हो गई है। तो हमने इसे रेस्ट किया है बैटर को 5 to 7 मिनट्स के लिए और अभी हम इसे बनाएंगे अपने चीले पैनकेक्स या फिर आप इन्हें डोसा भी कह सकते हैं। एक पैन को हीट करेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल स्प्रिंकल कर दिया है। मल्टीग्रेन का बैटर पोर करेंगे और इसे सर्कुलर मोशन में स्प्रेड कर देंगे। ये जो बैटर है इट्स नीदर ऑफ डोसा नॉर ऑफ चीला। चीले का बैटर मैं थोड़ा सा हैवी रखती हूँ लेकिन क्योंकि मुझे ये थोड़े पतले बनाने हैं, ज़्यादा मोटा होगा तो कुक करने में उतना ही टाइम लगेगा। सो मैंने उसके हिसाब से बैटर की कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी पतली रखी है। दोनों तरफ से हम इसे कुक करेंगे। एक बार जब आप स्प्रेड कर लें इसको तो तेज़ आंच से थोड़ी मीडियम आंच कर दीजिए ताकि थोड़े क्रिस्पी हो जाएं। दोनों साइड से हम इन्हें ब्राउन होने तक कुक करेंगे। तो देखिए ये हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, यानी हम इसे रिमूव कर लेते हैं। सेम मैनर में हम अपने बाकी मल्टीग्रेन डोसा या चीला प्रिपेयर कर लेंगे। And we will serve it with our peanut and coconut chutney. अगर मैं health benefits की बात करूँ तो आपकी energy को boost करने के लिए, weight loss, weight management के लिए, आपके blood sugar level को improve करने के लिए, cholesterol level को manage करने के लिए और आपको long time तक full रखने के लिए recipe बहुत ही useful है। So do try this recipe. It's extremely healthy. आप इसमें थोड़ा सा variety add कर सकते हैं। As I said, you can add some veggies. आप इसे हरी चटनी के साथ भी consume कर सकते हैं। So I hope you enjoyed watching this recipe. Do try this recipe. अगर try करते हैं तो इसके pictures मेरे साथ share करना ना भूलें। आप comment section में अपना feedback भी मेरे साथ share कर सकते हैं। इस recipe की nutritional information और text recipe अंग्रेज़ी में आपको मेरी website पर मिल जाएगी जिसका link मैं जल्द ही description box में update कर दूँगी। So thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.